एक टोमड़ी चोर है जो महाराष्ट्र के अंदर, वो हरामी नीच अपने आप को क्या समझता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नीतीश राणे है, ये हरामी बार बार हमारे इस्लाम के ऊपर टारगेट करता है, हमारे मुसलमानों पर टारगेट करता है। कब तक ऐसे आवारों कुत्तों को तुम छूट देने वाले? क्या सरकार ये चाहे? हम नहीं चाहते कि उस हरामी उस दल्ले के खिलाफ हम कुछ अल्फाज ना कहे। अगर ये चाहते हैं तो तुम ये बात याद रखो, सोलापुर शहर का मुसलमान जो है ना, हिकमत के नाम पर खामोश बैठा है। हम हिकमत के नाम पर जो खामोश, इसलिए कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, हम इसलिए जो आज सोलापुर शहर के अंदर खामोश है। अगर हमारी खामोशी का बांध अगर टूट जाएगा तो फिर हमको रोकेगा कोई भी नहीं। मैं ये खुले तौर पर, क्या सरकार ये चाहती है आज जो हुकूमत में बैठी हुई बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, ये लोग चाहते हैं क्या इस सोलापुर शहर के अंदर हो या पूरे हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में दंगा हो? आप लोग ये चाहते हैं क्या? पौने बोलकर जिनकी उपस्थिति थी हैदराबाद के, हमारे अयुब भाई HYC, ये कल कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर आने से पहले बेस पर इनको पुलिसों ने अड़ाया और उनको कल फौजदार चोरी के अंदर वहाँ पे अटक कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हमने सालाना वार्षिक बैठक रखी थी, जिसमें प्रमुख पौने बोलकर जिनकी उपस्थिति थी हैदराबाद के, हमारे अयुब भाई HYC, ये कल कार्यक्रम में हमारे यहाँ पर आने से पहले बेस पर इनको पुलिसों ने अड़ाया और उनको कल फौजदार चोरी के अंदर वहाँ पे अटक कर उनको वहाँ पर 2-3 घंटे बिठाया, तो इसलिए वो कार्यक्रम में आ नहीं सके। और मैं तमाम सोलापुर शहर के मुस्लिम जितने भी जिम्मेदारान हैं, कल अयुब HYC ये नौजवानों को एक बेहतरीन मैसेज देने के लिए यहाँ पर सोलापुर शहर में आया था। उनका बस एक ही मकसद था, वो सोलापुर शहर के अंदर नौजवानों को जो मौजूदा हालत पर जो लोग जो मुस्लिम समाज को इस्लाम के ऊपर जो बार बार ये एकदम नीच हरकत कर जो है इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं, तो नौजवानों को एक हिकमत की बात रखने और सब्र का मुशायरा करने के लिए और नौजवानों में अपने आपसी इत्तेहाद पैदा करने के लिए अयुब HYC आए थे। तो उनको अरेस्ट करने के बाद वहाँ पर फौजदार चोरी में बहुत सारे कम लोग थे, हमारे मेहमान थे वो। तो मैं हमारे सोलापुर के जितने भी जिम्मेदारान थे, मैं वो लोग वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि उस मेहमान को हमको वहाँ पर छुड़ाना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे मुस्लिम समाज के कुछ जिम्मेदारान लोग वहाँ पर फौजदार चोरी में थे। तो हमारे यहाँ पर सोलापुर शहर में बहुत सारे ऐसे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं कि भावी आमदार के तौर पर, कल ये भावी आमदार तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कुछ ऐसे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे जो उस शख्स को छुड़ाने की कोशिश करे, तो मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और कल वो लोग आ नहीं सके। और दूसरी बात, कल सोशल मीडिया पर कल रात से एक बहुत तेजी से एक मैसेज वायरल हो रहा है, एक कोमड़ी चोर है जो महाराष्ट्र के अंदर, वो हरामी नीच अपने आप को क्या समझता है। मैं समझता हूँ कि वो BJP का एजेंट और दल्ला है जो दो समाज को एक दूसरे में लड़ाने का काम कर रहा है। हम नहीं चाहते है कि उस हरामी उस दल्ले के खिलाफ हम कुछ अल्फाज ना कहे, लेकिन अब कुछ हालत ऐसे बनते जा रहे हैं कि इन हरामियों को, ये जो समाज कंटकों को जवाब देना भी बेहतर है। मैं सोलापुर शहर के CP साहब से ये अनुरोध करता हूँ, कल HYC अयुब सोलापुर शहर में आकर वो नौजवानों को हिकमत के नाम पर एक मैसेज देने के लिए सोलापुर शहर में आया था तो उसको बीजापुर बेस से अटक किए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये नीतीश राणे है, ये हरामी बार बार हमारे इस्लाम के ऊपर टारगेट करता है, हमारे मुसलमानों पर टारगेट करता है। कब तक ऐसे आवारों कुत्तों को तुम छूट देने वाले? क्या सरकार ये चाहती है आज जो हुकूमत में बैठी हुई BJP, शिवसेना, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, ये लोग चाहते हैं क्या इस सोलापुर शहर के अंदर हो या पूरे हिंदुस्तान में या महाराष्ट्र में दंगा हो? आप लोग ये चाहते हैं क्या? अगर ये चाहते हैं तो तुम ये बात याद रखो, सोलापुर शहर का मुसलमान जो है ना, हिकमत के नाम पर खामोश बैठा है। हम हिकमत के नाम पर जो खामोश, इसलिए कि हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, हम इसलिए जो आज सोलापुर शहर के अंदर खामोश है। अगर हमारी खामोशी का बांध अगर टूट जाएगा तो फिर हमको रोकेगा कोई भी नहीं। मैं ये
खुले तौर पर मैं ये नीतीश राणे जैसे हरामी को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम जिस शख्स का, जिस महाराज का तुम स्टैंड ले रहे हैं वो महाराज हरामी है। उसने हमारे इस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्तागी की, तो हम उसके खिलाफ, हमने संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकार के खिलाफ हमने उसका जाहिर निश्चित किया, उसके खिलाफ हमने छोटे मोटे जाहिर निश्चित कर उसके खिलाफ आंदोलन किया। तो तुम उसका स्टैंड लेते जो हरामी हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोलता। आज का मुसलमान खामोश है सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि हमें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा सब बनाए रखना है, और ये भाईचारा अल्हम्दुलिल्लाह सोलापुर शहर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है। ये कुछ नीतीश राणे सर के भड़वे और ये महाराज के नाम पर ये जो साधु जो बने हुए एजेंट लोग है, ये लोग जो है ना हर अलग अलग कम्युनिटी में जो फूट डालकर आपस में लड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि हम हिकमत के नाम पर जो है ना बहुत सब्र कर रहे हैं, और ऐसे जो हरामी समाज कंटकों के खिलाफ हमें सीपी साहब पर लीगली जो कार्रवाई करना जरूरी है, सब जन जो है ऐसे लोगों के खिलाफ बाहर आओ। और एक बात ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो हिंदू भाई है जो सोलापुर शहर के अंदर, मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसे हरामी लोगों का साथ ना दो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको भड़काने का काम कर रहे हैं और ये लोग जो है ना दो समाजों में लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं मेरे हिंदू भाइयों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे समाज कंटों का तुम सामने आकर विरोध करो। जब तक मेरे हिंदू भाई इन हरामियों का अगर सामने आकर विरोध नहीं करेंगे तब तक इनकी हौसला अफजाई बढ़ेंगी, वरना सोलापुर शहर हो या हिंदुस्तान हो इसमें नुकसान हमारे भाईचारा का है। तो मैं बस मेरे एक दिल की तमन्ना थी जो मैं आप लोगों को इस के जरिए मैं इस हरामी नीतीश राणे का जाहिर निश्चित करता हूँ, और जो इसने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो महाराज जो नालायक महाराज ने जो अपशब्द वापरे मैं उसका भी जाहिर निश्चित करता हूँ, और MIM पार्टी का हर नुमाइंदा जो है ना ऐसे गलत चीजों का विरोध करेगा, और इंशाल्लाह हम सियासी तौर पर अगर हम कुछ ना कह सके लेकिन बात हमारे इस्लाम की बात आएंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जबानों को खामोश करने का काम कोई नहीं कर सकता। हम जवाब देंगे, जरूर देंगे, अगर हमारे इस्लाम पर बात आती होंगी तो इंशाल्लाह हम रोडों पर उतर कर जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।